सोच रही हूँ कि मैं ये वाला जीन्स पेयर करूँ या नहीं। ऑल्सो मैं यहाँ पे मैंने दो स्वेटर रखे हैं, उन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर लूँगी, बट जीन्स का मुझे नहीं पता, सो मुझे देखना पड़ेगा। सो दिस इज़ लाइक द OTT फॉर टुडे। पहुँच चुके हैं अभी यहाँ पे मेरे दोस्त ये सारे, हम लोगों को कोई पता नहीं कहाँ पे जाना है, सारे घूमेंगे इधर जितने हैं। बेसिक प्लान तो था कि हम लोग चर्च पे जाएंगे, बट शी वॉज ऑन पीरियड सो वो जा नहीं सकती, तो अभी हम लोग सेंट्रल मॉल, सिटी सेंटर ये सब घूमेंगे। ये प्रस्तुति है और ये अंकिता एंड शी इज़ तुम्हारा नाम क्या? सिमरन। शी इज़ सिमरन। बहुत डर लग रहा है, पहले तो मुझे भी बहुत डर लगता था, बट अभी नहीं लगता, बट प्रस्तुति को बहुत ज़्यादा डर लगता है। सो राइट नाउ वी आर इन द बीबा, यहाँ से हम लोग कुछ खरीदेंगे तो नहीं, बट ऐसे ही आँखों को सेकने के लिए आ गए हैं। कुछ ड्रेस इतने ज़्यादा प्यारे हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। आई विश मैं यहाँ पे दुर्गा पूजा में आती, कहीं पे दूसरी जगह ही चली गई थी दुर्गा पूजा पे। ओ दीदी आज एकदम इसके साथ नील्स शूज सब मैचिंग। या ये पाकिस्तान का जो ट्रेंडी ड्रेस है, देखिए आप लोग, हम लोगों को मिल गया पूरा, हम लोग को ये पहनेगी। लुक एट दिस ज्वेलरी, इतने खूबसूरत। ये ब्लू वाले मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये वाला। ऐसा लग रहा है ये अभी मतलब सिंगापुर या फिर सिंगापुर नहीं, स्विट्जरलैंड से अभी लैंड हुआ है। दिस इज लाइक द रिच पीपल्स लेन एंड द ओनली थिंग वी कैन परचेस इज दिस। ट्रेजिडी हमारे साथ ये हो गया कि जो फुचका हम लोग खाने जा रहे थे, उसने भी हमको मतलब बोल दिया तू इसके भी लायक नहीं है। वहाँ पे 10 रुपये का 3 फुचका दे रहा था, 10 रुपये का 3 फुचका। मतलब फुचका लोगों का भी, मतलब फुचका बेचने वाले और फुचका का भी लेवल जो है ना इस साइड में आके बढ़ जाता है। कम से कम 4 तो दे दो, 5 देने से क्या होता है, फुचका तो बनता तो इसी से चीज़ से है। जस्ट इतना पैसा हो जाए कि इतने सारे गाड़ी खरीद सके, इनमें से एक भी अगर खरीद सकती ना मैं। इतने एक्सपेंसिव कार इधर डिस्प्ले होके रखा है। यू कैन सी द क्राउड, बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है शाम होते होते, बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। सो दिस इज द मतलब डेकोरेशन आप देख सकते हो, ये क्रिसमस के टाइम पे मतलब नहीं, स्पेसिफिकली कोई भी अगर कोई भी ओकेशन होता है तो यहाँ पे इस तरीके से सजाया जाता है खूबसूरत। मतलब हम लोग क्योंकि चर्च नहीं जा सकते, तो हम लोगों ने सोचा था कि इधर ही आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से सजाए गए, हम लोगों ने कुछ खाया नहीं, अभी इधर से जाके देखेंगे कुछ अगर खा सकते हैं तो। बहुत ज़्यादा क्राउड है इधर, बहुत सुंदर लाइटिंग, माय गॉड इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत घर में भी नहीं लगता कभी। सभी लोग फ़ोटो खींच रहे, मतलब सबका मेन पर्पस आज वही है कि इसके साथ एक फ़ोटो लेना है। मतलब यू कैन सी बहुत ज़्यादा प्रिटी, मेरा फ्रेंड सारे इधर अभी फ़ोटो खींच रहे हैं। मैं इतना नहीं, मुझे इतने ज़्यादा फोटोज़ नहीं चाहिए, नहीं तो मैं बाद में खुद ही मतलब वो हो जाती हूँ कि अरे कौन सा वाला अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, तो इतने ज़्यादा नहीं खींचते मुझे बहुत। मैं पहली बार हुई, फर्स्ट टाइम आई हूँ सच। इधर सब इतने सच धच के आए और मैं इधर सर में तेल लगा के एकदम, ये भी तेल लगा के आई हुई है, हम दोनों ने तेल लगाया, सब इतने सुंदर होके आए हैं, हम लोगों ने तेल लगाया हुआ है सर पे। ऐसे सोच रही हूँ दो मास्क खरीद लूँ, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लगा हुआ है जैसे मतलब कुछ और ही है, ये मॉल नहीं है पूरा, एकदम सारा घाटी इधर ही आ चुका। तो वहाँ से निकलकर हम लोग पार्टी में एक कैफ़े में गए थे जो कि बिल्कुल नया नया खुला था। आप देख सकते हो इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ये 2-स्टोरी था और आप देख सकते हो मिक्स है, मतलब मिक्स वाइब है, आप विंटेज भी देख सकते हो और मॉडर्न भी देख सकते हो। हमें तो बहुत पसंद आया और यस हमने वहाँ पर जाके फिर से वही मोमो ही ट्राई किया, क्योंकि मतलब हमें दूसरा और कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना था। Thank you.
अभी पूरा पूरा एकदम क्रिसमस वाइब, मतलब क्योंकि लाइट सारे जल चुके हैं तो अभी पूरा क्रिसमस वाइब आ रहा है। बाहर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेट मी जस्ट शो यू। शाम हो चुके पूरा, मतलब ठंडा ठंडा हल्की बहुत बाल गंगा वो। अभी पूरा शाम हो चुका है, दिस इज द सीन। पूरा मैं हम लोग जब जा रहे थे तब तो मतलब ठीक ठाक भीड़ था, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुका है। मेरा फ्रेंड को इधर ना फोटो खींचना है, वो वाला मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला सेंट्रल मतलब क्रिसमस ट्री के साथ, इसको इसके साथ फ़ोटो खींचना है। मैंने ये लिया है घर के लिए। सो बैक होम, अभी ये मैं लेके आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये खाना, और चाय और एक बिस्किट। खाने का बिल्कुल मूड नहीं बट ये बहुत टेस्टी लगता है। मम्मी को अपना फेस नहीं दिखाना। सो अभी मैं घर वापस आ चुकी हूँ, एकदम आप देख सकते हो घर के कंफर्ट कपड़े में हूँ, एकदम बाल वाल चोटी बना लिए ऊपर में बहुत दिनों के बाद। थोड़ा सा तेल लगाऊंगी और सो मैं रसमलाई इंजॉय एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर। तो अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल्सो मुझे बताया कि मैंने आज जो वीडियो बनाया उसका कोई मतलब इंट्रो नहीं था, क्योंकि मैं खुद ही भूल गई थी इंट्रो शूट करना। मेरा दीदी आया था उसके साथ बात करते 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 भूल गई और फिर बहुत फटाफट रेडी होकर चले गए। बाद में पता चला वो लोग खुद ही लेट है, मुझे पहले बोला कि ये जल्दी जल्दी आओ, हम लोग निकल चुके हैं। और फिर मैं जब उधर पल्टन बाजार पहुँच गई उसके बाद उन्होंने बोला कि लहे लहे आहा, मतलब धीरे धीरे आओ, मतलब तब बोलिए। मैं इधर से इतना स्पीड में निकली, मैंने कोई इंट्रो भी नहीं लिया, अच्छे से कुछ भी नहीं किया। सो आई नो वीडियो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बट अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।